अब तो खुश हो गई ना तुम? यामिनी, जो तुम चाहती थी वो सब कर दिया मैंने। अच्छा, बहुत बड़ा काम करके आए हो तुम। चेहरे से तो एकदम फ्रेश दिख रहे हो अर्जुन। चेहरे पर बिल्कुल थकान क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे बहुत नींद आ रही है। उससे कम बात करो, मुझे सोना है जाके। अच्छा, ये नाटक ना तुम किसी और के सामने करना। अलबेली ने मुझे सब कुछ बता दिया कि कल रात क्या हुआ था। तुम मुझसे चकमा देकर भाग गए अर्जुन? हाँ कि ना? इधर देखो तुम। हाँ, भाग गया मैं वहां से। अर्जुन क्यों? इतनी मुश्किल से ये राजपाट हमारे हाथ आने वाला था और तुमने वो भी मौका गवा दिया। अर्जुन क्या? छोटे राजा साहब, छोटी रानी साहब, आपको दरबार में बुला रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ। अब हटो यहां से। ये राजशाही तलवार जिस पर सिर्फ उत्तराधिकारी का हक होता है। वृंदा जी, ये आपके हाथों में क्या हुआ? कुछ नहीं लक्ष्मी जी, जरा सी चोट लग गई, ज्यादा कुछ नहीं। आज से अगले एक महीने तक बिंदा जी को इस राज परिवार की महारानी घोषित किया जाता है। आज से ये परिवार और कारोबार जिस पर बिंदा जी का हक होगा। कांग्रेचुलेशन दीदी, नया पद मुबारक हो महारानी वृंदा जी। हमें यकीन है कि आप इसे बखूबी निभाएंगे। ये बच्चे की हंसने की आवाज कहां से आ रही है? वैसे पंडित जी जी, इस राजमहल की नई महारानी होने के नाते इस राजमहल की हर चीज पे अब मेरा हक है, राइट? तो इसका मतलब लक्ष्मी जी के गले में इस वक्त जो हार है उस पे भी टेक्निकली मेरा ही हक है। है ना जी? बिल्कुल। Excuse me, वृंदा जी, वो हार मेरी माँ का है और उस पे सिर्फ उनका हक है। पंडित जी, मुझे वो हार चाहिए। काम डाउन विराज, मैं यहाँ की नई महारानी हूँ और यहाँ की नई महारानी होने के नाते तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पंडित जी, वो हार प्लीज। कुंवर साहब, रिवाज और नियम के मुताबिक उनकी मांग गलत नहीं है। इस शाही हार पर महारानी का ही हक होता है, जो पद इस वक्त बिंदा जी के पास है। रानी साहब, आप तो बड़ी रीति रिवाज आप तो समझती है ना?
ये लीजिए महारानी, आपकी अमानत। शुक्रिया पंडित जी। वैसे इस घर की नई महारानी होने के नाते मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी को कोई तोहफा दूं, तो मैं अपनी तरफ से ये शाही हार यामिनी जी को तोहफे में देना चाहना चाहती हूं। अलवेली आओ, यामिनी जी को ये हार पहनाओ। जी दीदी। सिर्फ प्यार नहीं, बुरा राजपाट तुम्हारा हो सकता है। अपने पति से कहो कि मेरी बात मान ले। लक्ष्मी जी, मैं यहाँ की महारानी हूं, तो जाहिर सी बात है कि राजशाही कक्ष पे अब सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तो बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द उसे खाली कर दें। इनाफ, इनाफ! मां अपना रूम नहीं देंगी, सुना आपने? मां अपना रूम नहीं देंगी। सुना आपने? ये रूम सिर्फ विराज, कुर्सा, की जरूरत नहीं है, टेंशन की वजह से इनको चक्कर आ गया था। मैं दवाई नहीं देता हूं। दिया कुबारानी सा, इनका ख्याल रखिएगा और होश आते ही नींबू पानी और ये दवा दे दीजिएगा इनको। जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। थैंक यू। आज जो हुआ उससे एक बात तो साबित हो गई कि मेरा महादाव बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। पर दीदी, आपका महादाव है क्या? सब्र करो सुरीली, सब्र करो। इस मोमबत्ती की खुशबू बहुत अच्छी है। एक बार इसमें विषकन्या का विष मिल जाए तो ये उतनी ज्यादा खतरनाक बन जाएगी। Thank you.
ये मोमबत्तियां जाकर दासियों को दे दो, उन्हें कहना कि हर कमरे में ये मोमबत्तियां पहुंचनी चाहिए, खास करके सितारा के घर में। पर दीदी, ये चाल तो तभी कामयाब होगी ना जब सितारा और विराट संबंध बनाएंगे। उसके लिए तो इन मोमबत्तियों का सही वक्त पर बुझना बहुत जरूरी है, वरना तो इसके नशे में वो सो जाएंगे। चिंता मत करो अलबेली, विराज और सितारा का मिलन आज होकर रहेगा। वो चाहकर भी इन मोमबत्तियों के नशीले धुएं से नहीं बच पाएंगे। अब जाओ, दोनों जाकर ये मोमबत्तियां बांटाओ। वृंदा जी, हमने आपको हमारे परिवार का सदस्य समझा और आपने इस तरह सबके सामने हमें जलील किया। लक्ष्मी जी, अगर मैंने आपका दिल दिखाया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट या जलील करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपका ख्याल रखना चाहती हूँ। वो तो मैंने हमेशा यामिनी जी की आंखों में उस हार को लेकर इतना लालच देखा है कि मैंने सोचा कि वो हार उन्हीं के पास चला जाए बेहतर है, इससे पहले कि वो कोई ऐसी हरकत करें जिससे आपको और नुकसान हो। लक्ष्मी जी, आप जानती हैं अगर मेरे मन में लालच होता तो मैं आराम से वो हार अपने लिए रख सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लक्ष्मी जी, मैं जो कर रही हूं आपके भले के लिए कर रही हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका, इस राजमहल का और आपके परिवार का ख्याल रखना चाहती हूं।